सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस दिवाली के खुशी के शुभ अवसर पे आपको एक और खुशी मिलने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि पहले से ही आंसर की CSSL 2009 का आ चुका है। तो अब आंसर की आने के बाद आपने अपना मार्क्स देख ही लिया होगा। तो देखने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपका टीयर वन का कट ऑफ क्या होने वाला है। और सिर्फ इतना नहीं बल्कि मैं ये बताने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो हर कोई बताता है जिसमें आप सिंपली टीयर वन क्वालिफाई कर लेते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ टीयर वन को क्वालिफाई करना आपको नौकरी नहीं दिला सकता। आपके पास कुछ ऐसे नंबर होने चाहिए, यानी कि आपको इतना स्कोर करना चाहिए कि आप फाइनली सिलेक्ट हो जाओ। फाइनली सिलेक्शन के लिए आपको सिर्फ टीयर वन क्वालिफाई करना इनफ नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को एनालाइज करेंगे और बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे कैंडिडेट का रिस्पांस देखने के बाद ये वीडियो बनाई गई है, जिसमें आपको हम बताने वाले हैं कि फाइनली आपको टीयर वन में कितना स्कोर होना चाहिए ताकि आप एक फुल ऑफ कॉन्फिडेंट हो करके आगे के एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। तो चलिए बिना किसी के देरी किए ये शुरुआत करते हैं आज अपने। तो पहला चीज़ है इसमें कि क्या आप सिर्फ टीयर वन या टीयर टू पास करना चाहते हैं या फिर फाइनल नौकरी पाना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही एक तरीके से देखा जाए सिंपल सा ही क्वेश्चन है, क्योंकि हर कोई चाहता है एक फाइनल नौकरी मिले। लेकिन एक्चुअली लोग सिर्फ कट ऑफ के पास रह जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रियल सिनेरियो ऐसा नहीं होता है। आप अगर टीयर वन या फिर टीयर टू क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आपका मार्क्स कम है। अगर आप सिर्फ टीयर जो भी टीयर वन की या टीयर टू की कट ऑफ आती है उससे एक दो मार्क अगर पास में है, तो आप ये समझ सकते हो कि आपने सिर्फ क्वालिफाई किया है, फाइनल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर हाँ तो नंबर कितना लाना आवश्यक है, तो ये चीज़ हम इस वीडियो में बनाएंगे। उसके पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि CHSL 2017 हो, 18 हो या फिर 19 हो, इन सब में टीयर वन, टीयर टू या टीयर थ्री में कितने कितने नंबर आए थे और किस नंबर पे कैंडिडेट्स का फाइनली सिलेक्शन हुआ था। 2017 का पूरा डिटेल है, 18 का वन और टू का भी अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, 19 का अभी हम एक्सपेक्टेड आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो भी एनालिसिस किए गए हैं उनका जो सोर्स है उसमें से आपको ये बातें देखनी होगी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होती हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था एग्जामिनेशन का, और साथ में कितने स्टूडेंट्स जो थे वो अपीयर्ड हुए थे। तो ये सारी बातें हैं, इन्हीं बातों को हम ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि SSC एग्जामिनेशन हो या फिर रेलवे NTPC हो, इन एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग यहाँ पर वीडियोस हम लेकर के आते हैं। कोई भी नोटिफिकेशंस अगर आती हैं तो साथ में स्टैटिक GK की प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाती है। तो स्टैटिक GK का जो लिंक है प्लेलिस्ट का, मैं यहाँ पर कॉर्नर में दे के रखा हूँ, आप उस पर जाना। GK का डोज एक हर रोज, ये हमारा प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाओ, हर रोज आप एक नई वीडियो देखोगे और काफ़ी अच्छी ट्रिक जिसमें आपको लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप उसे बस देख कर ही लर्न कर लेते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, किसी भी तरह की क्वेरी करनी है आपको कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए ये है 2017, 2016 और 2015-14 तक का टीयर वन का कट ऑफ। तो ये कुल 4 साल का कट ऑफ यहाँ मैं आपको शो करने वाला हूँ, जिससे आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। तो जनरल की अगर कैटेगरी की बात करें तो 2014 में टीयर वन का कट ऑफ 120 था, 2015 में 119, 2016 में 127 और 2017 में 143.50। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट, हालांकि एक नंबर का डिक्रीज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन फाइनली आप देख रहे हो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल है। अगर इन 4 साल की बात करें तो 120 से 143 होना, यानी कि पूरे 23 नंबर बढ़ गए हैं जनरल कैटेगरी के लिए। और इसी हिसाब से देखा जाए तो हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता गया है और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, इवन दैट OBC, SC, ST। ठीक है, OBC की बात करें तो 108 से सीधे 139, यानी कि 31 मार्क्स यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया है। और आप ये भी देख पाएंगे कि यहाँ पर OBC और जनरल कैटेगरी की बात करें तो इनके बीच के जो भी टीयर वन की कट ऑफ है उनके बीच की गैपिंग काफ़ी कम होती गई है। देखिए यहाँ पर 12 नंबर का गैपिंग है, यहाँ पर 9 की गैपिंग है, यहाँ पर 7 की, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर की गैपिंग है। तो ये जो गैपिंग है जनरल कैटेगरी और OBC के बीच में काफ़ी कम होता जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपटीशन लेवल जो है ना वो काफ़ी बढ़ गया है।
तो इस बड़े हुए कंपटीशन लेवल में आपको कैसे सर्वाइव करना है, ये ट्रिक हम आपको बताएंगे यहाँ पे, और कितना और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। फिलहाल हम देख रहे हैं 2017 टीयर वन और टीयर टू दोनों को मिला करके LDC JSA PASA का कट ऑफ क्या रहा था। यहाँ पर एक और लिस्ट दी गई है जिसमें आपको मैंने नंबर ऑफ़ वैकेंसी दिखाई है। तो पहले मैं आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसी दिखा देता हूँ, जिसमें आपको देखेंगे कि PNSA में 3,222 वैकेंसी थी, LDC और JSA की बात करें तो 2,646, 6 वैकेंसी मात्र DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर की थी, ठीक है, सिर्फ 6 वैकेंसी थी, और फाइनल यानी कि टोटल वैकेंसीज यहाँ पर थी 5,874। तो ये कुल वैकेंसीज थी 2017 में। इन वैकेंसीज में अगर PA और SA JSA की बात करें तो उनके लिए UR कैटेगरी का टीयर वन, जो कि आपने देखा था टीयर वन 2017 में 143 नंबर गया था टीयर वन का, और टीयर टू का मिला करके, टीयर टू जान आपको पता होगा कि 100 नंबर का अलग से एक पेपर SN लेटर राइटिंग का होता है, तो उसका मिला करके 199 नंबर आया था जिस कैंडिडेट का, उसने टीयर टू क्वालिफाई किया था, ठीक है। लेकिन आपको ये भी श्योर नहीं होना कि अगर आपका 199 या 200 नंबर आ गया तो आप फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, टाइपिंग होती है, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, तो वहाँ पर भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा लिए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी सॉर्टिंग होती है। तो कम से कम आपका कितना नंबर ज़्यादा होना चाहिए वो मैं एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा, इसलिए हमारे साथ इस वीडियो बने रहना और लास्ट तक देखना, तभी आपको पूरा कंक्लूजन पता चलेगा आपको, ओके। तो यहाँ पर आप देखो कि यूअर कैटेगरी के लिए 199 टीयर वन टीयर टू LDC JSA के लिए था, वहीं OBC का 192 मात्र 7 नंबर का डिफरेंस था यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम DEO की बात करें, DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी कम वैकेंसी थी, सिर्फ 6 वैकेंसी थी, जिसकी वजह से इनका 227 नंबर यहाँ पर गया था आउट ऑफ 300, और OBC का 224 गया था। बाकी कैटेगरीज में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हालांकि क्योंकि DEO जो है वो लेवल 4 की जॉब है, लेवल 4 एंड 5 की, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन लेवल हाई होता है, और क्योंकि जॉब भी अच्छी है और साथ में वैकेंसीज भी काफ़ी कम होने की वजह से लेवल इनका बहुत ज़्यादा होता है। तो इस अगर DEO आपकी ख्वाहिश है तो उसके लिए आपको टीयर वन में कितना मार्क्स चाहिए ये भी हम बताएंगे, और टीयर टू में कितना नंबर लाना होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस पे आगे देखते हैं 2018 के। तो 2018 में आप देखो कि LDC एंड JSA की बात करें तो यहाँ पर 135, कुछ फ़र्क आपको समझ में आ रहा होगा कि 2017 में 143 गया था और 2018 में 135, यानी कि कुल मिलाकर 8 नंबर का लगभग फर्क यहाँ पर देखा गया है ना। वहीं अगर हम OBC की बात करें तो 133 नंबर, ये भी वहाँ से कम हुआ है। इसका रीज़न ये था कि यहाँ पर पेपर का टफ, थोड़ा सा पेपर टफ हो गया था, और एक कैटेगरी, नई कैटेगरी यहाँ पर आ गई थी EWS, तो इस तरह से थोड़ा सा वेरिएशन आया था। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं था, 5,800 समथिंग वहाँ पर थी और 5,790 के आसपास यहाँ पर वैकेंसीज हैं, तो कुल मिलाकर के लगभग 80 नंबर का डिफ्रेंसिएशन था 2017 और 2018 के वैकेंसीज में, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। हालांकि पोस्टल असिस्टेंट्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बढ़ी थी, जबकि LDC की नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम हुई थी, और वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी 6 से 54 यहाँ पर वैकेंसीज बढ़ गई थी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि हालांकि आप देख सकते हो कि पेपर लेवल डिफिकल्ट होने की वजह से या फिर थोड़ा सा डिले होने की वजह से ये जो इनका कट ऑफ था वो थोड़ा सा कम रह गया था 2018 में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2019 में ऐसा नहीं था, क्योंकि 2019 के पेपर में जो टाइम ड्यूरेशन था जो एग्जामिनेशन का वो काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए स्टूडेंट के पास काफ़ी अच्छा टाइम था प्रिपरेशन करने के लिए इन द COVID-19 सिचुएशंस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज करने के चांसेस हो जाती हैं। वैकेंसीज की भी बात करेंगे अभी, तो फाइनली आपने ये टीयर वन का कट ऑफ 2018 का देख लिया है। अब वहीं अगर DEO की बात करें 2018 टीयर वन की, तो यहाँ पर 165 CHSL 2018 का कट ऑफ है, ठीक है, UR कैटेगरी के लिए। और अगर अदर देन बात करें, क्योंकि DEO डिपार्टमेंट में दो तरह की होती है, इन CNAG होता है और दूसरा अदर देन CNAG होता है, तो अदर देन वाले में और भी हाई कट ऑफ जाती है, इसलिए यहाँ पर 181 नंबर यहाँ पर कट ऑफ गया था UR कैटेगरी के लिए, और OBC के लिए 178 गया था। तो कुल मिला के आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी DEO डिपार्टमेंट है उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई रह रही है एज कम्पेयर टू द JSA एंड PA। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम है, ठीक है, और पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए ज़्यादातर कोई चॉइस होती है कि वो इस कैटेगरी में
जॉब करें, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपकी, 2018 से हमने टर्म रिलेटेड समझा दिया। तो अब आपको हम फाइनली बताने वाले हैं कि 2019 में क्या रहेगा आपका फाइनल कट ऑफ, एक्चुअली क्या हो सकता है। ये तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका एक्चुअल कितना मार्क्स होना चाहिए जिसकी वजह से आप फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आपका टीयर ये आंसर की आपने अगर चेक कर लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। अगर आप मान लो कि आपने कुछ क्वेश्चन किए हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, माइनस कर लो जितने भी रॉन्ग हुए हैं। फाइनली उसके बाद अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप समझो कि आप क्वालिफाई कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि LDC, GSA और PASA के लिए UR कैटेगरी में अगर आपका 139 और 144 के बीच में आपका नंबर है, विदाउट रॉ मार्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, किसी किसी के कैंडिडेट का ऐसा होता है कि 130 आ रहा है, 135 आ रहा है, तो ऐसा होगा कि मतलब आपका अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपका बढ़ करके 139 या 40 के आसपास आ सकता है, 145 भी आ सकता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। आप सिर्फ क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपके पास एक अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, टीयर वन का कट ऑफ जो होगा UR कैटेगरी के लिए 139 से 144, OBC के लिए 135 से 140 के बीच में रह सकता है, SC की बात करें तो 110 से 115, ST की बात करें तो यहाँ पर 99 से लेकर 105 के बीच में, और वहीं EWS जो कि एक नई कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के वो कैंडिडेट जो काफ़ी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, उनकी कट ऑफ भी यहाँ पर अलग से बनाई जाती है, और वो भी लगभग OBC वाले कट ऑफ के आसपास में ही रहते हैं, तो यहाँ पर 130 और 135 के बीच में जाने की संभावना है। यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए तो 2018 की जो कट ऑफ थी उससे 5-6 नंबर का थोड़ा इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं बात करें DEO डिपार्टमेंट की, तो वहाँ पर 165 से 169 के बीच में जनरल के लिए हो सकता है, और OBC के लिए 161 से लेकर के 165 के बिटवीन रह सकता है। अदर देन CNAG की बात करें तो यहाँ पर 181 से 184 के बीच में यहाँ पे रहेगा, और वहीं OBC की बात करें तो 177 से 182 के बीच में यहाँ पे रहने वाला है। ये जो भी आपको कट ऑफ दिखाया जा रहा है ये बिल्कुल ही नंबर ऑफ कैंडिडेट से बात करने के बाद उनकी जो मार्क्स है, जितना भी उन्होंने गेन किया है, उसके बिहाफ पर ये दिखाए गए हैं, ठीक है। और आप अगर इन कैटेगरी में आते हो विदाउट नॉर्मलाइजेशन तो आप श्योर हो सकते हो, तो आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि अभी आपका नंबर 10-20 नंबर जो भी बढ़ता है तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो फाइनली मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ वो नंबर जो आपके लिए लकी नंबर हो सकता है, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आपका ये नंबर आता है तो आप 100% श्योर हो सकते हो कि इस बार आपकी जॉब लगेगी लगेगी, और ये मेरा श्योर दावा है। तो LDC, GSA, PASA वाले कैंडिडेट जो UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आपका नंबर 150 आता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो आपके लिए गुड लक, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, क्योंकि आपको और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको टीयर टू वाले में मिनिमम 60 मार्क्स लाने होंगे, फिर आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। वहीं OBC कैंडिडेट की बात करें तो 148 नंबर, SC ST की बात करें तो 130, और EWS कैंडिडेट 140 नंबर अगर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन स्कोर कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया चांस है, और 2020 जो सबके लिए पैंडेमिक था आपके लिए लकी हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मौका है यहाँ पर आपको स्कोर करने का। हालांकि मैंने देखा है ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका विदाउट नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर है 140 अप्रॉक्स आ रहा है, तो 10 या 15 नंबर अगर उनका इंक्रीमेंट हो जाता है तो ये जो लकी नंबर है इसे आप क्रॉस कर जाओगे और फाइनली आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। DEO डिपार्टमेंट की बात करें तो 190, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कि DEO डिपार्टमेंट में 181 जो अदर देन CAG है उसमें कट ऑफ गया था, तो यहाँ पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। और क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी थोड़ा सा कम है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बी अवेयर भी इस बात के लिए लेकर रहना पड़ेगा। तो अगर आपका इतना नंबर आ रहा है फाइनली तो आप श्योर हो जाओ, डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, ठीक है। और हाँ, टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो, क्योंकि टाइपिंग को लेके आने में, एक हैबिट में लेकर के आने में काफ़ी टाइम लगता है। साथ में आप अपनी AC और लेटर राइटिंग को भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ताकि आप वहाँ पर फेल ना कर पाओगे। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो अगर आप टीयर टू में लेटर राइटिंग या AC में क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी डिफिकल्ट ऐसा नहीं होता है, आप
थोड़ा बहुत एक आध घंटा प्रैक्टिस करके भी आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारी विशेष है आपके लिए कि अगर आपने जो भी हमने वीडियो में नंबर बताए हैं उतना अगर आप स्कोर कर पाते हो तो आप फाइनली सिलेक्ट हो जाओगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको देखकर मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और फाइनली एक बार और कहना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दो, क्योंकि आप जितने भी अभी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, अभी 2020 जो CSSL का टीयर CSSL का फॉर्म आ गया है उसका भी मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया है वीडियो में, आप उसे देख लीजिएगा कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या ये जो होना चाहिए, किस तरीके से आपकी फोटोग्राफिंग वगैरह जो भी लगाना है, थोड़ा सा रूल चेंज हो गया है तो उससे रिलेटेड भी मैंने यहाँ पर वीडियो डाली है, तो आप उसे भी देख पाओगे। एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सबके पास इस चीज़ के बारे में जानकारी पहुँच पाए। तो थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, बाकी आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।